Assalamu alaikum student, hopefully you all are fine and welcome in English class. And you know that our topic name is At the Farm and it's second lecture At the Farm. So firstly I'll explain the proper meaning of this topic At the Farm. Farm hum kisko kehte hain? A large place where we are keeping crops or animal. Jahan par hum crops or animal ko rakhte hain usko hum farm kehte hain. At the farm, farm par. So today, firstly I'll give a short review on the previous lecture. You know that very well. Yesterday we have to discuss words, English meaning and Urdu meaning. And today we are going to discuss words and sentences of this unit. So let's move. First word is barn. Barn. Barn ka matlab kya tha? A large building. Building on a farm for keeping crops or animals. Ya wo saidar jagah jahan par hum crops or animals ko rakhte hain. सेंटेंसेस का क्या होगा द कॉ इज इन द बार्न गाय बार्न में है ठीक है सादा जगह में है नेक्स्ट वर्ड इज फार्मर फार्मर इट्स सेंटेंसेस माय फादर इज अ फार्मर मेरे बाबा एक फार्मर है या अली इज अ फार्मर अली एक किसान है स्टूडेंट्स आप इसके सेंटेंसेस अपनी मर्जी से और भी बना सकते हैं ठीक है जो इसका बेस्ट वे होता है सेंटेंस मेकिंग का फर्स्टली यू शुड मेक योर सेंटेंसेस इन योर लैंग्वेज ओके इनकेस हमारी उर्दू है तो मैं फर्स्टली उर्दू में सेंटेंस बनाना चाहिए देन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर ट्यूटर क्लियर है नेक्स्ट वर्ड इज फील्ड आई एम इन द फील्ड मैं खेत में हूँ नेक्स्ट वर्ड इज राइडिंग राइडिंग का क्या मतलब था घुड़सवारी आई एम राइडिंग अ हॉर्स क्या है आई एम राइडिंग में सवारी कर रहा हूँ अ हॉर्स एक घोड़े की ट्रैक्टर 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 बेसिकली किसको कहते हैं बिग स्ट्रॉन्ग व्हीकल दैट पीपल यूज ऑन अ फार्म्स आई हैव अ ट्रैक्टर मेरे पास एक ट्रैक्टर है वॉर्म्स फॉर्म्स किसको कहते हैं स्मॉल एनिमल्स विद लॉन्ग थिन बॉडीज एंड नो लेग्स छोटे कीड़ों को आई सा आ वॉर्म मैंने एक कीड़ा देखा होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आया होगा एंड इन नेक्स्ट आई मेंशन अ डायरी फॉर यू राइट एंड लर्न वर्ड सेंटेंसेस बाय हार्ट थैंक यू सो मच